दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ। सबसे पहली चीज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम एक चीज नोटिस करते हैं, आप में से काफी लोग एटलीस्ट 90% एंड तक हमारे वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, इससे हमारे को बहुत सारा साहस मिलता है और हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग वन प्लस के नए नॉट की CE4 है इसका नाम। सारी खूबियां जानेंगे, क्विक कैमरा टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो के दौरान, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है OnePlus Nord CE4 का बॉक्स। यहाँ पर ब्रांडिंग है, पीछे थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी है। 8GB रैम है, 256GB की स्टोरेज है। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स गो अहेड एंड अनबॉक्स इट। तो खुल गया OnePlus Nord CE4 का बॉक्स। सबसे पहली लेयर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड केस के अंदर आपको क्या चीज़ मिल रही है, लेट्स चेक आउट। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इधर एक केस दिया हुआ है, क्लियर केस नहीं है, ग्रीनिश कलर का, ग्रेश ग्रीन मैं इसको कह सकता हूँ, वैसा केस है ये। साथ ही में Nord की तरफ से थोड़ी सी जो यूजुअल चीज़ें आती हैं OnePlus के बॉक्स के अंदर वो सारी हैं। सेफ्टी गाइड है, क्विक गाइड है, थोड़ा सा और रीडिंग मटेरियल भी है, मेंबरशिप कार्ड भी है यहाँ पर, और सिम इजेक्टर टूल भी दर दिया हुआ है। नेक्स्ट लेयर में यहाँ पर आपको OnePlus Nord CE4 मिल जाएगा। 2 मिनट के अंदर मैं इसको इसके रैप से निकाल के लेकर आता हूँ, तब तक देखते हैं तो अगली लेयर में जो लास्ट लेयर है उसमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक सुपर फास्ट चार्जिंग 100 वॉट की ब्रिक मिलती है, सुपर वूक चार्जिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही में एज ऑलवेज OnePlus के बॉक्स में एक रेड केबल ज़रूर होती है, तो USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आपको साथ में मिलेगी। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको OnePlus Nord CE4 के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग इस स्मार्टफोन की, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, पर उससे पहले बात करेंगे इसके फॉर्म फैक्टर और डिज़ाइन की। आइए चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया OnePlus Nord CE4, स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से, फॉर्म फैक्टर से, कैसा है ये स्मार्टफोन, सारी खूबियाँ जानते हैं उसके बारे में। सामने आपको एक लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, ऊपर कटआउट के अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। कंपनी ने जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो पहले से ही स्मार्टफोन पर लगा के दिया है, तो आपको एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चिन एरिया एकदम कम कर दिया गया है, बेजल भी अगर आप साइड पे देखेंगे जो ब्लैक बैंड है वो भी कम कर दिए, और हेड पे भी कम कर दिया गया है। ओवरऑल सिमेट्रिक लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि चिन ज़्यादा है या हेड ज़्यादा है, सब कुछ सेम ही लग रहा है। राइट साइड पे आए तो यहाँ पर आपको उसका पावर बटन मिलता है, पर पावर बटन आपका जो यहाँ पर है वो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर इज राइट इन द स्क्रीन, तो यहाँ से आप इसको क्विकली अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं राइट साइड पे और बातें करते हैं उसकी, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम रॉकर भी देखने को आपको मिलेगा। प्लास्टिक का बैंड है जो चारों तरफ चलता है, सेम कलर जो बैक है वैसा ही सिमिलर कलर में बैंड बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आए तो एकदम प्लेन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टॉप की तरफ आए तो यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा और इसका सेकेंडरी माइक्रोफोन भी यहाँ पर है। बॉटम की तरफ चले तो यहाँ पर इसकी सिम ट्रे है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी यहाँ पर दी गई है। अब चलते हैं इसकी सुंदर बैक की तरफ, यहाँ पर आपको एक अरे के अंदर कैमरास भी देखने को मिल रहे हैं, LED फ्लैश है, डबल बम्प के अंदर मतलब टू स्टेप के अंदर यहाँ पर आपको कैमरास का जो अरे है वो देखने को मिलेगा। OnePlus की ब्रांडिंग है और जो बैक है मेरे को एक ग्रीनिश मार्बल जैसी लुक दे रही है। शाइनी बैक है, अच्छी बैक है, प्लास्टिक की लग रही है, पर हाँ सुंदर है, देखने में काफ़ी अच्छी है। आइए अब इसका हम वेट टेस्ट भी करके देख लेते हैं, देखते हैं कितना है इसका वेट। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं इसका वेट कितना है। इसका वेट है कुछ 187 ग्राम्स। अभी मैंने इसके अंदर सिम कार्ड नहीं डाला है, तो 1 ग्राम और बढ़ जाएगा, 188 ग्राम्स हो जाएगा विद द सिम कार्ड, बट विदाउट द सिम कार्ड इट्स जस्ट 187 ग्राम्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं OnePlus Nord CE4 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी, स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर आपको 6.74 इंचेस का डिस्प्ले मिल रहा है, AMOLED डिस्प्ले होगा ये, FHD प्लस इसका जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा, मतलब 1240x2772 पिक्सल्स का आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है।
इनसाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7 जेन 3 मिल जाएगा जो कि ऑक्टाकोर सीपीयू के साथ आता है। 2.8 गीगाहर्ट्ज तक आपको इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिल जाएगी। साथ ही में एड्रीनो 732 का आपको यहाँ पर जीपीयू मिल जाएगा। 8GB रैम यहाँ पर आने वाली है। 256GB की आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी। UFS 3.1 स्टोरेज हो सकती है ये, और माइक्रो SD कार्ड के साथ आप इसको 1TB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 50MP का प्राइमरी वाइड एंगल सेंसर मिलेगा और साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलेगा। 4K पे आप यहाँ पर वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ आए तो 16MP का आपको सेल्फी शूटर मिलेगा, वाइड एंगल लेंस है ये भी। 1080p पे एट 30fps यहाँ पर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी पर नजर डालें तो 5500 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलती है। 100W का जो फास्ट चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स मिलेगा, जो अनुमान है कुछ 25 मिनट के अंदर ये स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज कर सकता है। 2 कलर्स में अवेलेबल होने वाला है, ब्लैक और जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं वो है ग्रीन कलर। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका मैं डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो हम इसका प्राइस आने से पहले बना रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं OnePlus Nord CE 4 के ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहां पर आपको ऑक्सीजन OS 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, एंड्रॉयड 14 पे लगा लगाया आपको मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, ब्लोटवेयर भी नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। मेरे को OnePlus की चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि एक आध ऐप जो दी हुई है वो दी हुई है, उसके अलावा बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं है। काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयडिश फील है यहाँ पर, तो आपको काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। लैग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा मेरे को अभी तो, पर फुल रिव्यू ऑन gadgetbiz.com तो वहाँ पर जाके ज़रूर पढ़िएगा। मैंने ऐप्स भी बहुत सारी खोल के देखी हैं तो उसमें भी मेरे को अभी कुछ लैग देखने को नहीं मिल रहा। जो मल्टीटास्किंग है वो भी आराम से हो रही है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको क्विक सेटिंग भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तक एक्सपीरियंस है दैट इज़ गुड, बट फुल रिव्यू ऑन gadgetbiz.com। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अब परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं इसके कैमरास की। लेट्स चेकआउट, 3 इमेजेस क्लिक करके देखेंगे इंडोर्स, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ, देखते हैं कैसी आती है ये इमेजेस। तो दोस्तों बारी आ गई है OnePlus Nord CE 4 का क्विक कैमरा टेस्ट करने की। 3 इमेजेस क्लिक करके देखते हैं, इंडोर्स इन गुड लाइटिंग कंडीशन, स्टूडियो लाइट्स यहाँ पर ऑन है, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ। पहली इमेज इंडोर्स पर, उससे पहले मैंने नेटिव ऐप ओपन कर लिए, मैं सारे मोड्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रो मोड मिल रहा है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। मोड में जाएंगे और बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे, जैसे स्लो मोड भी यहाँ पर है, नाइट मोड भी यहाँ पर है और हाई रेज मोड भी यहाँ पर है। तो हाई रेज मोड में चलते हैं और क्लिक करके देखते हैं एक इमेज कैसी आती है ये इमेज। तो कुछ ऐसी आई है ये इमेज, द क्लैरिटी इज ऑन पॉइंट, द कलर्स आर ट्रू टू लाइफ। बहुत ही सुंदर कलर्स आए हैं, जैसे कि आपको आपकी नेकेड आई से देखने को मिलते हैं वैसे ही हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये इमेज, आपको कैसी लगी है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए 2 और इमेजेस क्लिक करके देखते हैं। तो क्लिक कर लिए मैंने 2 और इमेजेस, पहले सेल्फी इमेज को चेक कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी आई है, पोर्ट्रेट मोड में मैंने क्लिक करी है तो स्किन स्मूदनिंग भी इसने नहीं की, एकदम नेचुरल रखी है। हेयर स्ट्रैंड भी अच्छी तरह दिख रहे हैं, एजेस हल्के से और बेटर हो सकते थे क्योंकि 60MP का कैमरा है, तो एजेस थोड़े से बेटर और हो सकते थे, बट ओवरऑल नॉट बैड, मेरे को ठीक लगी ये इमेज। आपको कैसी लगी है ये सेल्फी इमेज मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइएगा। आइए चलते हैं बाहर की इमेज की तरफ, तो वो कुछ ऐसी आई है, एकदम नेचुरल लाइट है बाहर, अच्छी सनशाइन है, वहाँ पर कुछ इमेज ऐसी आई है। तो क्लैरिटी इज डिसेंट, ये हाई रेज मोड में क्लिक करी है मैंने, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो क्लैरिटी इज डिसेंट, आप एजेस भी देख सकते हैं, पीछे की जो इसका स्ट्रिंग है प्लेट का वो भी अच्छी तरह दिख रहा है, नॉट बैड एट ऑल। हल्के से कलर्स और बेटर हो सकते थे पर मेरे को ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है इस इमेज में। तो ये थी 3 इमेजेस जो हमने क्लिक करी है OnePlus Nord CE 4 के साथ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम Instagram और Twitter पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। गैजेट ब्रिज के जो लिंक्स हैं यहाँ पर नीचे दिए होंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं दे पाऊँ। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो
तो मेरे को नीचे आप बता सकते हैं कमेंट्स में, या मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप मेरे को बोल सकते हैं। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट विद हिंदी। मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।